मीटरिंग की व्यवस्था हम लोगों ने की है, और ये जो अभी हमारा बजट आया था इसमें भी हमने अलग अलग विभागों से प्रयास कर रहे हैं कि वो ऊर्जा विभाग को मिले। बजट पूरा राज्य सरकार का है और उसके मुख्यमंत्री के माध्यम से अलग अलग मंत्रालय में वो मद जाता है, तो प्राथमिकता है कि सब लोग जितना उपयोग कर रहे हैं वो ऊर्जा विभाग को दें, लेकिन अल्टीमेटली खजाना तो एक ही है। सरकार का पूरा प्रयास है कि जितनी बिजली सब लोग उपयोग कर रहे हैं वो सब लोग उस हिसाब से सरकार को राजस्व भी दें, क्योंकि सरकार बहुत सस्ती बिजली किसानों को दे रही है, आमजन को दे रही है। 7 रुपये 24 पैसे की बिजली है, हम पहले 100 यूनिट आमजन को, चाहे शहर हो या गांव हो, केवल 3 रुपये यूनिट के हिसाब से दे रहे हैं, और किसानों को हम 1 रुपये 10 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से दे रहे हैं। तो हमारा प्रयास है कि सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, निर्बाध बिजली की व्यवस्था शाश्वत रहे, लेकिन इसके लिए लगातार जो जितना बिजली कंज्यूम कर रहे हैं उतना बिल भी लोग दें। हम लोग चोरी रोकने पर भी प्रयास कर रहे हैं, और आप मार्च के महीने में आप देखेंगे करेक्ट बिल भी उपभोक्ताओं को मिलेगा, नई एजेंसियां आई हैं, तो प्रयास कर रहे हैं इस व्यवस्था को सुदृढ़ करने की। मंत्री जी, धारा 370 को लेकर क्या कहेंगे? धारा 370 और अयोध्या में राम मंदिर, ये भारतीय जनता पार्टी के कोर मुद्दे हैं। धमाके कराने की योजना बनाना और हमारे यहाँ अस्थिरता पैदा करना उनका धृष्टता है। तो अब संकल्पबद्ध है, हमारी सेना सीमा के उस पार कठोर कार्रवाई करेगी। कब करना, कैसे करना, कहाँ करना, ये सीमा तय हमारी सेना तय करेगी। लेकिन सीमा के इस पार भी कुछ जयचंद है जो नकाबपोश है, रहते यहाँ हैं, खाते यहाँ हैं, और जब मरते हैं तो उनको संस्कार भी उनका यहीं किया जाता है, लेकिन गुण पाकिस्तान के गाते हैं। ऐसे लोगों को भी चिन्हित हमारी सरकार कर रही है सोशल मीडिया के माध्यम से भी। ये भारत को एकजुट रहने की आवश्यकता है, हम सब भारतीय पूरी तरह से एकजुट हों, और आतंकवाद को लेकर जो लड़ाई हम सब लोगों की, उसको हम मिलकर लड़ें। और इसमें कहीं सोशल मीडिया पे हमारी सेना के बारे में कोई टीका टिप्पणी करता है या पाकिस्तान के समर्थन में कोई टीका टिप्पणी करता है, इसका मतलब वो भारतीय नहीं है, उसकी आस्था भारत में नहीं है। तो ऐसे लोगों को भी चिन्हित करके कठोर कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। अनुप्रिया पटेल और ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बोल रहे हैं, कैसे देख सब रहे हैं? सहयोगी हमारे साथ हैं और सब हम मिलकर नए भारत के लिए पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रचंड बहुमत से हम लोग प्रधानमंत्री बनाएंगे, इसके लिए सब संकल्प। महबूबा मुफ्ती कह रही है कि एक बार पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। महबूबा मुफ्ती हो या फिर अलगाववादी हो, बड़ी तादाद में जो पाकिस्तान के गुण गाते हैं, ऐसे लोगों की सुरक्षा सरकार ने वापस ली है, और 200% टैक्स भी पाकिस्तान के ऊपर लगाया गया है, जहां जो वस्तुएं वहां से यहां आती हैं। तो पाकिस्तान की नाकेबंदी हम कर रहे हैं, जो पहले काम हो जाने चाहिए थे वो अब हमारी सरकार कर रही है। पूर्व में बहुत लिबर्टी कांग्रेस की सरकार में इन सब लोगों को मिलती रही, अब पानी भी हम लोग बंद कर रहे हैं।